कई दिनों से पड़ रही बरसात के चलते मानसा में पूरी तरह पानी भर गया है। मानसा जिले के डिप्टी कमिश्नर महेंद्र पाल के सरकारी निवास स्थान में पूरी तरह पानी भरने से सरकारी निवास स्थान की एक दीवार गिर गई है। डिप्टी कमिश्नर का पूरा सामान अब कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। तुम पता है जड़ा भी हूँ मानसा च मैं पता किया है भी काफ़ी सालों बाद बहुत ज़्यादा एक्सेस बारिश हुई है। ये बारे तुम भी पता है तो इस करके थोड़ी जी जी दिक्कत हुई है भी पानी जोड़े लो लाइंग एरिया है उन्होंने भरया थोड़ा जहा, लेकिन असी पूरे प्रबंध किए हैं। अज मैं सारे ऑफिसर जिले के डीसी ADC साहबान न सीवरेज बोर्ड के न कमेटी SDM ड्रेनेज विभाग के मीटिंग की है और उन्होंने सख्त हदायत की है भी जोड़े भी साढ़े को रिसोर्सिज हैं मोटर्स हैं ड्रेनज लिए सफाई है उन्होंने और सख्ती शुरू लागू किया जाए सफाई की है। सर दूसरा जी ट्रीटमेंट प्लांट लगी है जिम्मे मानसा और सरदुलगढ़ लगी है दोनों ट्रीटमेंट प्लांट ओवरफ्लो हो चुके हैं और किसान भी पानी अपने खेतों से ले आना नहीं चाहते वो बड़ा काफ़ी खतरा मंडरा रहे हैं वो बारे की करना। देखो पता भी हूँ थोड़ा रेन वाटर फिर भी असं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सॉयल कंजरवेशन वाले ला के होर असी स्पेस लभ के जिते भी पानी असी भेजा कढ़िया जा सकता शहर वो असं कढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर तुम कितने शिफ्ट किया जी अजे तो मैं दफ्तर हाँ जी सवेर का नहीं रेजिडेंस का पानी भरया हुआ सर नहीं उम्मीद है शाम तक हो जाएगा जी बस कभी सर ये कोई तुम्हें लगे भी कोई फेलियर हो नगर कौंसल के दावे कुछ और से पर उसके बावजूद इन्ना कुछ होया नहीं अपने कहते देखो ऐतकी रेन ही तुम सारे पंजाब की प्रडिक्शन हो रही है जो हो भी है थोड़ी बारिश एक्सट्राऑर्डिनरी थोड़ी ज़्यादा हो गई हर चीज़ का ड्रेन का सिस्टम डिस्चार्ज पानी कढ़ने की कपैसिटी होंगी है लेकिन जो नेचर ने रेन एक्सेस करती थोड़ा जहा तर अपन टाइम लगेगा उन ड्रेन आउट करने लिए पर साढ़े वालों नगर वासियों को पूरा विश्वास है असं पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं भी पानी शहर तो जल्द कढ़ दिता जाएगा।